हेलो एवरीवन, कविता इज हेयर चैनल आपके लिए एक और ट्रॉफी जीतने वाली शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स कंटिन्यू। यस, यू एब्सोल्युटली रीड इट राइट। इंडिया का बेस्ट फ्री ऑनलाइन कंपटीशन इन स्पीच एंड क्विज, ऑनलाइन स्पीच एंड क्विज कंपटीशन 2023 आया है, जिसमें आप ट्रॉफीज विन कर सकते हैं और वो भी रियल, और फ्री एंट्री यहाँ पे अलाउड है। तो इससे बेहतर नंबर वन कॉम्पिटिशन आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पे विनर्स होंगे 6 टोटल, 3 स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए और 3 क्विज कॉम्पिटिशन के लिए। प्राइजेस के बारे में मैं आपको एक बार बता दूँ कि स्पीच कॉन्टेस्ट में जो पहला विनर है उसको ट्रॉफी उसके घर पे दी जाएगी बाय कूरियर, तो ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। और बाकी सेकंड और थर्ड विनर को डिजिटल ट्रॉफी मिलेगी, और क्विज कंपटीशन में सभी विनर्स को डिजिटल ट्रॉफी मिलेगी। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो नो एज लिमिट, और टॉपिक की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे यहाँ पर एप्लीकेबल है। टाइमलाइन के बारे में चर्चा करें तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 16 मार्च, रिजल्ट 20 मार्च को आएंगे। रजिस्ट्रेशन क्विज और स्पीच दोनों का 16 मार्च तक होना चाहिए। अब सबमिशन ऑफ स्पीच की लास्ट डेट है 16 मार्च और क्विज को कंडक्ट किया जाएगा ऑन 16 मार्च। मैं स्पीच कंपटीशन के रूल्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो वीडियो की टाइम लिमिट होनी चाहिए 2 से 3 मिनट, वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, और रजिस्टर और सबमिशन अपना वीडियो का आपको व्हाट्सएप पर करना है 8 7209995 37। अब मैं आपको बता दूँ क्विज कॉम्पिटिशन के रूल्स, तो आपको 16 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करना है बाय सेंडिंग नेम, एज एंड पर्सनल डिटेल्स, और क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर 16 मार्च को शेयर किए जाएंगे। आपका बस रजिस्टर होना तय होना चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट मोहम्मद साहिल। लास्ट वन, आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे रेयर कॉम्पिटिशंस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। टिल देन, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।